रिलेशंस आज का मुद्दा है संबंध मानवीय संबंध इस प्रकार से होते हैं जैसे संघ जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसे समाज कहते हैं इस वीडियो की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करेंगे एंड एन An ancestor is इज person पर्सन इन family फैमिली lived a अ time लॉन्ग टाइम परिवार का वो सदस्य जो परिवार का सबसे बड़ा होता है अर्थात जिसके द्वारा परिवार का वंश चला आता है उसे पूर्वज कहते हैं आंट एन आंट इज द सिस्टर ऑफ वंस फादर और मदर और द वाइफ ऑफ वंस अंकल आंट आमतौर पर पिता या माता की सगी या दूर के रिश्ते में लगने वाली बहन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संबोधन आजकल इस नाम का प्रयोग लोग जान पहचान की महिलाओं को बुलाने के लिए भी करते हैं बिलवड अ बिलवड इज अ डियरली लव्ड और अ मच लव्ड पर्सन बिलवड यानी प्यारा कोई भी व्यक्ति जो अत्याधिक दुलारा प्यारा और दिल के करीब हो आमतौर पर इस नाम से लोग अपने पति अपनी पत्नी या अपने प्रियतम को बुलाते हैं ब्राइड अ वुमेन ऑन हर वेडिंग डे और जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट इज कॉल्ड अ ब्राइड ब्राइड यानी दुल्हन या वधु अपनी शादी के दिन किसी भी लड़की को संबोधित किया जाने वाला शब्द ब्राइड ग्रूम अ मैन ऑन हिज वेडिंग डे और जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट इज कॉल्ड अ ब्राइड ग्रूम ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा किसी भी पुरुष को उसकी शादी के दिन संबोधित किया जाने वाला शब्द Brother. A man or a boy in relation to other sons and daughters of his parents is called a brother. Brother. Yani bhai. Brother-in-law. The brother of one's husband or wife is a brother-in-law. The husband of one's sister is also called a brother-in-law. Brother-in-law. यानी बहनोई पति या पत्नी के भाई या फिर बहन के पति को संबोधित किया जाने वाला संबोधन कॉग्नेट वन रिलेटेड बाय ब्लड और ओरिजिन विदनादा कॉग्नेट यानी सगा रिश्ता या खून का रिश्ता दो मनुष्यों के बीच में खून का रिश्ता एक ही वंश ya ke kelog. confidant. or confidante. a person who is trusted and to whom secrets or private matters are disclosed is called a confidant. a female confidant is called a confidante. confidant. ya confidante. matlab vishwasi. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को अपने तक ही रखते हैं कजन अ चाइल्ड ऑफ वंस अंकल और आंट इज कॉल्ड अ कजन ननिहाल या ददेहाल के पक्ष के भाई या बहनों को कजन कहा जाता है डॉटर अ डॉटर इज अ पर्सन फीमेल चाइल्ड डॉटर यानी बेटी माता पिता की वो संतान जो कि एक स्त्री हो फादर अ मैन इन रिलेशन टू हिज चाइल्ड और चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ फादर फादर यानी पिता किसी पुरुष का अपनी संतान के साथ का रिश्ता फादर इन लॉ द फादर ऑफ वंस हजबेंड और वाइफ ज कॉल्ड अ फादर इन लॉ फादर इन लॉ यानी ससुर पति या पत्नी के पिता को संबोधित करने वाला शब्द ग्रैंड डॉटर अ डॉटर ऑफ वंस सन और डॉटर इज कॉल्ड अ ग्रैंड डॉटर ग्रैंड डॉटर यानी पोती बेटे या बेटी की संतान जो कि एक बालिका हो ग्रैंड डॉटर कहलाती है ग्रैंड फादर द फादर ऑफ वंस फादर और मदर इज कॉल्ड अ ग्रैंडफादर ग्रैंड फादर यानी दादा माता या पिता के पिता को संबोधित करने वाला एक शब्द ग्रैंड मदर द मदर ऑफ वंस फादर और मदर इज कॉल्ड अ ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर यानी दादी माता या पिता की माता को संबोधित किया जाने वाला शब्द ग्रैंडसन अन ऑफ वंस सन और डॉटर इज कॉल्ड अ ग्रैंडसन ग्रैंड सन यानी पोता बेटे या बेटी की वो संतान जो एक लड़का हो ग्रैंडसन कहलाता है हाया अ पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू रिसीव समबडीज प्रॉपर्टी हाया याने वारिस किसी भी वंश संपत्ति या नाम का कानूनन हकदार आयर या वारिस कहलाता है हस्बैंड अ हस्बैंड इज द मैन दैट अ वुमन इज मैरिड टू हस्बैंड यानी पति वो व्यक्ति जिससे किसी भी लड़की की शादी होती है वैवाहिक जीवन में पत्नी का साथी या जीवन साथी हस्बैंड या पति कहलाता है ज इट इज द लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम एन एंडसिस्टर एंड सिस्ट्री और पेडिग्री लीनियज एक परिवार की श्रेणी जिसके द्वारा परिवार का उत्क्रम चलता रहता है इसे वंशावली कहते हैं अंग्रेजी में इसे लीनियज कहते हैं लव अ पार्टनर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप outside marriage is called a lover. Lover, यानी प्रेमी किसी भी चीज को प्यार करने वाला प्रेमी कहलाता है Maternal uncle, an uncle related through the mother's side of the family is called a maternal uncle. Maternal uncle, यानी मामा मां माँ या माता के भाई को मामा कहते हैं इसे अंग्रेजी में मटर्नल अंकल का नाम दिया गया है मदर अ मदर इज द फीमेल पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन मदर यानी मां। वो रिश्ता जो एक स्त्री और उसके बच्चे के बीच होता है संबंध तब बनता है जब वो स्त्री उस बच्चे को जन्म देती है मदर इन लॉ द मदर ऑफ वंस हजबेंड और वाइफ इज कॉल्ड अ मदर इन लॉ मदर इन लॉ यानी सासू मां पति या पत्नी की मां को सासू मां या मदर इन लॉ कहा जाता है

किसी के भी तरफ का हो सकता है नीस द डॉटर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर इज कॉल्ड नीस द ब्रदर ऑफ वंस हस्बेंड और वाइफ ब्रदर और सिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नीस नीस यानी भतीजी भाई या बहन की बेटी भतीजी कहलाती है रिश्ता पति या पत्नी दोनों में से किसी के भी तरफ का हो सकता है इसे अंग्रेजी में नीस कहा जाता है पेट्रन अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट टू अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन और कॉज इज कॉल्ड अ पेट्रन जो व्यक्ति सुचारू रूप से किसी भी व्यक्ति की मदद करता है और किसी भी संस्था को दान करता है उसे आश्रयदाता कहते हैं अंग्रेजी में आश्रयदाता को पेटरन कहा जाता है प्रोजनी अ डिसेंडेंट और द डिस ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अ प्रोजनी प्रोजनी जो वंश किसी भी व्यक्ति जानवर या पौधे का हो उसे वंश कहते हैं अंग्रेजी में इसे प्रोजेनी कहा गया है रिलेशन अ पर्सन हु इज कनेक्टेड बाय ब्लड और मैरिज एंड इज इन द सेम फैमिली एज समबडी एल्स इज अ रिलेटिव हैज अ रिलेशन विद दैट पर्सन रिलेशन ये वो संबंध होता है जो दो लोगों के रिश्ते या संबंध को एक नाम देता है रिश्ता माना हुआ या खून का भी हो सकता है रिलेटिव अ पर्सन कनेक्टेड बाय ब्लड और मैरिज इज रिलेटिव रिलेटिव यानी रिश्तेदार दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का एक नाम ये जोड़ खून का हो सकता है या विवाह के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है सिस्टर अ वुमन और गर्ल इन रिलेशन टू अदर डॉटर्स एंड सन्स ऑफ हर पेरेंट्स इज कॉल्ड अ सिस्टर सिस्टर यानी बहन एक स्त्री का अपने पिता के पुत्र या उसकी अन्य पुत्रियों के साथ का संबंध सिस्टर इन लॉ द सिस्टर ऑफ वंस हस्बैंड और वाइफ

जो कि एक पुरुष हो सन कहलाती है सन इन लॉ द हजब ऑफ वंस डॉटर इज कॉल्ड सन इन लॉ सन इन लॉ दामाद किसी भी दंपत्ति की पुत्री का पति दामाद कहलाता है स्टेप ब्रदर। अ सन ऑफ वंस स्टेप मदर और स्टेप फादर स्टेप ब्रदर यानी सौतेला भाई सौतेली मां या सौतेले पिता की संतान को सौतेला भाई कहते हैं स्टेप फादर अ स्टेप फादर इज द हजबेंड ऑफ वंस मदर बट नॉट वंस नेचुरल फादर स्टेप फादर यानी सौतेला बाप सौतेला बाप वो होता है जो मां के पति के निधन के बाद मां से शादी करे अथवा तलाक होने के बाद मां जिस व्यक्ति से शादी करे वो पुरुष सौतेला बाप या स्टेप फादर कहलाता है स्टेप मदर अ स्टेप मदर इज द वाइफ ऑफ वंस फादर बट नॉट वंस नेचुरल मदर स्टेप मदर यानी सौतेली मां सौतेली मां वो होती है जो माता की मृत्यु के बाद पिता से शादी कर ले अथवा तलाक के बाद जो स्त्री पिता से शादी करे वो स्त्री सौतेली मां कहलाती है ट्विन वन ऑफ टू चिल्ड्रन और एनिमल्स बोर्न एट द सेम बर्थ इज कॉल्ड अ ट्विन ट्विन यानी एक ही मां के शरीर से जन्म लेने वाली दो संतानें। इन संतानों का जन्म एक ही समय पर होता है अंकल एन अंकल इज द ब्रदर ऑफ वंस फादर और मदर और द हजबेंड ऑफ वंस आंट अंकल बुआ या मौसी के पति को हम अंकल कहते हैं आमतौर पर पिता या माता के भाई को भी अंकल कहा जाता है वाइफ अ वाइफ इज द वुमन अ मैन इज मैरिड टू वाइफ यानी पत्नी वैवाहिक रिश्ते में पति के साथ रहने वाली स्त्री का संबंध वाइफ या पत्नी कहलाता है थैंक यू वेरी मच Enjoy your learning experience with SpeakWell.